तो दोस्तों आज हम लोग आप लोगों को दिखाने वाले हैं गाइस बाबा धाम, जहां पर 25 वर्षों से बाबा बैठे हुए हैं, जिसको बोला जाता है श्री सत्यनारायण बाबा जी, जो कि एक ही स्थान पर बिना कुछ ग्रहण किए अपने ध्यान में मग्न रहते हैं और भोले बाबा के बहुत ही बड़े भक्त है, जिसे देखने के लिए गाइस लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पर्यटकों का भीड़ होता है। सावन में तो बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है और यहाँ मेला भी लगता है और एक बहुत ही रहस्यमय बात है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर्स न्यू व्लॉग। तो गाइस यार आज हम लोग मौजूद है गाइस रायगढ़ के बाबा धाम में, जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गाइस सत्यनारायण बाबा, जो कि 25 वर्षों से यहां पर तपस्या में लीन है। तो चलिए गाइस आप लोगों को बिना किसी देरी के हम लोग सीधा लेकर चलते हैं आप लोगों को बाबा के पास और यहां का जो कुछ भी है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो गाइस यार अभी हम लोग आ चुके हैं बाबा के जस्ट गेट के सामने, जहां पर आप लोगों को देख सकते हो अभी इधर मेला वगैरह जैसा इधर लगा है कुछ कुछ नारियल लेने के लिए। तो इस साइड पे देख सकते हो अभी यहां पर खिलौनों वगैरह का दुकान है और साथ ही साथ यहां का माहौल देख सकते हो और बहुत ही अच्छा यहां पर देख सकते हो गाइस मेला जैसा लगा है। और इधर देखो गाइस यहां पर चूड़ी वगैरह का दुकान है। तो अभी हम लोग इधर से ना इस साइड पे जाने वाले हैं। तो देखो अभी यहाँ पर आप लोग सामान वगैरह ले सकते हो और साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इधर नारियल वगैरह। और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस, यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो गाइस यार ये है देख सकते हो प्रवेश द्वार। तो गाइस यार अभी मैं पहुँच चुका हूँ बाबा के जस्ट बाबा धाम के सामने पे, यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस यार ये देख सकते हो ये है गाइस बाबा का प्रवेश द्वार। तो यहाँ से अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं और आप लोगों को दर्शन कराने वाले हैं गाइस बाबा का। तो गाइस यहां पर देख सकते हो आप लोग नारियल वगैरह ले सकते हो। और चलिए गाइस ये है गाइस यहां का प्रवेश द्वार। तो चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं यहां पर। तो गाइस यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अंदर और यहां पर देखो गाइस ये है प्रवेश द्वार देख सकते हो। तो यहां से अभी हम लोग जाएंगे और देख सकते हो इधर नारियल वगैरह छीना जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग सीसीटीवी की निगरानी में हैं। तो चलिए गाइस और ये देखो गाइस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं बाबा के पास। तो देख सकते हो गाइस यहाँ से आप लोग जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पर देखो गाइस काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पर पूरा भोले बाबा का यहाँ पर पूरा चारों तरफ देख सकते हो आप लोग एक बार। इधर देख सकते हो यह है बाबा सत्यनारायण और यहाँ से अभी देख सकते हो गाइस उस साइड पे बैठे हैं बाबा। तो चलिए गाइस आप लोग लेकर चलते हैं बाबा के पास और दर्शन कराते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो गाइस यार अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस बाबा का दर्शन करने और साथ ही साथ आप लोगों को भी दर्शन कराने वाले हैं। और यहाँ पर देख सकते हो भक्तों के लिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा एक लाइन बनाया गया है, जिससे हम लोग चल कर जा रहे हैं और आप लोगों को बाबा का दर्शन कराने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस यहाँ पर विराजमान है गाइस बाबा सत्यनारायण जी, जहाँ पर देख सकते हो अभी समाधि में लीन है। और ये देखो गाइस आप लोगों को पास से दिखाने वाले हैं हम लोग बाबा का दर्शन कराने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग है, इसके बगल में ही बाबा यहाँ पर विराजमान है, जो कि देख सकते हो अपने ध्यान में मग्न है और काफी मस्त देख सकते हो गाइस आप लोगों को दर्शन करा रहा हूँ। तो इसके लिए गाइस एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। तो देख सकते हो यह बाबा सत्यनारायण। तो यहाँ से अभी इधर का डेकोरेशन देखो, जो कि काफी सुंदर सा यहाँ पर डेकोरेशन है और साथ साथ यहाँ पर शिवलिंग के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे लोग दिख जाएंगे, जो कि काफी दूर दूर से
आए हुए होते हैं गाइस। तो गाइस यार यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से आप लोग जाओगे गाइस दुर्गा मंदिर जाने का रास्ता, यहाँ पर सत्यनारायण बाबा जी का मूर्ति है। तो चलिए गाइस आप लोगों को लेकर चलते हैं गाइस दुर्गा मंदिर की ओर। तो गाइस यार अभी हम लोग मौजूद हैं दुर्गा माता के मंदिर के पास। तो ये है गाइस यहाँ का दुर्गा माता का मंदिर, और इस साइड पे है गाइस सत्यनारायण बाबा, और इस साइड पे है गाइस एक दुर्गा मंदिर जस्ट पीछे में। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, इसके अंदर में आप लोग जाकर माता रानी का दर्शन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ गाइस यहाँ से दुर्गा माता के मंदिर के अंदर, जहाँ पर जाते ही आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे पहले अगल बगल पे। और यहाँ पर देखो गाइस मनोकामना के लिए कुछ कुछ बांधे हुए हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर, जहाँ पर आप लोगों को दर्शन होगा दुर्गा माता का। ये देखो गाइस यहाँ पर है गाइस माता दुर्गा की मूर्ति, जो कि काफी खूबसूरत है। और यहाँ पर गाइस आप लोग अपना मन इच्छा और जो कुछ भी मनोकामना है वो मांग सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर गाइस आप लोगों को एक चीज और देखने को मिलेगा, जो कि है गाइस यहाँ पर ज्योति क्लास, जिससे आप अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर सकते हो। और इसके बगल में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गाइस बहुत सारे लोगों द्वारा यहाँ पर नारियल वगैरह को पेड़ में बांध कर, देख सकते हो अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर नारियल वगैरह को बांधा गया है, जिससे आप सबकी मनोकामना पूर्ति होती है। तो मैं भी दुआ करता हूँ गाइस कि आप सभी का मनोकामना की पूर्ति हो। यहाँ पर देखो गाइस सत्यनारायण बाबा जी ये छोटे में कैसे दिखते थे जब उन्होंने समाधि लिया था। और इस साइड पे देख सकते हो पूरा आप लोगों को चित्र देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर फोटो मिल जाएगा आप लोगों को पूरा सत्यनारायण बाबा जी का। और ये 2017 का है लास्ट, और है गाइस 1998 का। तो गाइस यार यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ भोजन वजन की व्यवस्था है, और साथ साथ यहाँ पर आकर दान वान कर सकते हो। और अभी हम लोग निकल रहे हैं निकास द्वार से। तो गाइस यार हम लोग निकल चुके हैं निकास द्वार से होते हुए, अभी जा रहे हैं गाइस बाहर की ओर। तो गाइस यार यहाँ पर देख सकते हो इसके जस्ट बगल में यहाँ पर प्रसाद वरसाद के लिए यहाँ पर देख सकते हो वितरण हो रहा है, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ से प्रसाद लेकर बाहर की ओर जा रहे हैं, ये देख सकते हो। गाइस यार अभी हम लोग निकल चुके हैं गाइस बाबा सत्यनारायण के मंदिर से बाहर, और यहाँ कर देख सकते हो अभी इधर पुश साइड पे पूरा मेला है। तो चलिए गाइस आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।